भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने आज वित्त वर्ष 2022-23 की पहली मौद्रिक समीक्षा बैठक में कई बड़े फैसले लिए। इनमें सबसे बड़ा फैसला भारतीय इकोनॉमी के ग्रोथ अनुमान को घटाना है। साथ ही आरबीआई गवर्नर ने एक और परेशान करने वाली बात कही कि खाद्य तेल की कीमतें निकट भविष्य में उच्च स्तर पर ही बनी रहेंगी। इनकी कीमतों में गिरावट आने की संभावना ना के बराबर है। मौद्रिक नीति की बैठक के बाद आरबीआई के गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्रीय बैंक LAF कॉरिडोर को 50 BPS पर बहाल करेगा, क्योंकि यह पूर्व कोविड था। साथ ही FY23 GDP प्रोजेक्शन में कच्चे तेल की कीमतों को $100 प्रति बैरल पर आंका है। उन्होंने कहा कि भारत में 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़ाकर 7% हो गई है, जो 2019 के बाद सबसे ज़्यादा है। वहीं RBI गवर्नर ने कहा कि UPI का उपयोग करने वाली सभी बैंकों और ATM नेटवर्क पर कॉर्डलेस नकद निकासी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं ये भी कहा गया है कि भारत बिल भुगतान प्रणाली संचालन इकाइयों के लिए निवल मूल्य की आवश्यकता को 100 करोड़ रुपए से घटाकर 25 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं RBI कुछ साल की अवधि में तरलता वापस लेगा। RBI तरलता की क्रमिक और अशंकित निकासी करेगा। इसके अलावा 18 अप्रैल से बाजार खुलने का समय सुबह 9 बजे से बेहाल किया जाएगा। वहीं RBI के चालू खाते के घाटे को स्थायी स्तर पर देखता है। विदेशी मुद्रा भंडारण 606.5 अरब डॉलर है। साथ ही गवर्नर ने ये भी कहा कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजे की घोषणा करते हुए कहा गया कि मुद्रास्फीति को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि को कायम रखने के लिए केंद्रीय बैंक ने अपने नरम रुख में थोड़ा बदलाव किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।